यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बच्चों बच्चों, आज के इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. ठीक है, कन्वर्जेंस क्या होते हैं बच्चों? इन विच वी कन्वर्ट वन कंपाउंड इंटू अनदर कंपाउंड. सो लेट अस डू वन बाय वन. पहला कन्वर्जन है बच्चों इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन. पहला हमारा कन्वर्जन है कि हमें कन्वर्ट करना इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन. हमें इथेनॉल को ब्यूट वन आइन में कन्वर्ट करना है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें इसको ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है. ठीक, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि हमें इथेनॉल चाहिए, इथेनॉल से ब्यूट वन आइन चाहिए. तो इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारा इथेनॉल का जो फार्मूला है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है CH3CH2OH. ये इथेनॉल का फार्मूला है. अगर आपको याद हो, जब आपने इथेनॉल की PCl5 से रिएक्शन लिखी थी, मैं यहाँ नीचे डिटेल में आपको लिख के बताता हूँ, CH3CH2OH की जब हमने PCl5 से रिएक्शन लिखी थी बच्चों, ध्यान दो, तो सबसे पहले OH हट जाता है, OH हट जाता है, OH की जगह पर Cl आ जाता है, तो क्या हो जाएगा बोलो, C2H5Cl, है ना. C2, देखो इथेनॉल है ना, इथेनॉल है, तो इथेनॉल को CH3CH2OH लिख सकते हैं. अब हमने क्या किया, इसकी PCl5 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो OH की जगह Cl आ गया, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा CH3CH2Cl. ठीक, अच्छा, अब एक बचा P, एक बचा O और तीन बचा Cl. फिर से देखिए, एक बचा P, एक बचा O, तीन बचा Cl, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा POCl3, एक H बचा और एक Cl, तो क्या हो जाएगा HCl. यदि आप बच्चों रिएक्शन को देखो, चलो फिर से समझते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, इट्स नेम विल बी इथेनॉल. इथेनॉल की पहले आप PCl5 से रिएक्शन करवाओगे. PCl5 का नाम क्या है बच्चों, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. तो OH हट गया, OH की जगह पे Cl आ गया, OH की जगह पे Cl आ गया, एक H और एक Cl, ये आपका HCl निकल गया, P बचा, O बचा, तीन Cl बचा, POCl3. इसका नाम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा CH3CH2Cl, क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं. यदि आप इसका जनरल नाम लिखें तो इसका जनरल नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड. क्लोरो इथेन लिख दो तो भी सही है, और इथाइल क्लोराइड लिख दो तो भी सही है. इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, मैं कॉमन नाम भी बोल रहा हूँ, इथाइल एल्कोहल. अब क्या होगा बच्चों, एक कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं, देखिए ऊपर मेन है, नीचे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सोडियम एसिटिलाइड का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH. सारे बच्चे जानते हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH को हम कहते हैं एसिटिलीन, है ना, क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं एसिटिलीन. अगर इस एसिटिलीन से बच्चों हम एक एच हटा दें और एक NA जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, सोडियम एसिटिलाइड. इसका नाम होता है बच्चों SodiumAcetylide. अगर कोई आपसे पूछे कि तिवारी सर सोडियम एसिटिलाइड का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन हो गई, एसिटिलीन से एक एच हटा दो और उसकी जगह पर NA जोड़ दो, तो ये हो जाएगा सोडियम एसिटिलाइड. इसका नाम क्या होगा बच्चों, एसिटिलीन कॉमन नेम है, और IPSC नेम लिखे तो ये इथाइन है. तो सबको सोडियम एसिटिलाइड का फार्मूला याद हो गया, बिल्कुल तिवारी सर, हमें सोडियम एसिटिलाइड का फार्मूला याद हो गया. अब क्या करो, ये एरो बना दो, एरो पे लिख दो CH ट्रिपल बॉन्ड CNA. किसका फार्मूला ही है, सोडियम एसिटिलाइड का फार्मूला है. जब सोडियम एसिटिलाइड का फार्मूला हो गया, तो एक CLA और एक NEA, क्या निकल गया बच्चों बताओ, ये निकल गया -NaCl. यहाँ कौन कौन सी दो चीज़ें निकली थी बच्चों हमारी, एक निकला था POCl3 और एक निकला था HCl. ये देख लो, POCl3 निकला और एक निकला HCl, तो आपका क्या बन गया, CH3CH2Cl, ये बन गया CH3CH2Cl. इसकी रिएक्शन हमने करवाई सोडियम एसिटिलाइड से, एसिटिलीन का फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एच हटाया उसकी जगह पर एन ए लगाया, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, क्या हो गया, सोडियम एसिटिलाइड. अब क्या बचा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए क्या बचा, आपका पहले बचा CH3, तो हमने लिख दिया CH3, फिर क्या बचा CH2, ये लिख दिया CH2, फिर बचा C, ये लिख दिया C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या बचा CH, तो हमारा जो प्रोडक्ट है बच्चों क्या बचा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH. चलो बताओ ये नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास होगा. चलिए करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4, चार है तो ब्यूट,
ट्रिपल बॉन्ड है तो आई ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड वन और टू के बीच में है, छोटा कौन है बच्चों वन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूट वन आइन, या सिंपली हम लिख सकते हैं बच्चों ब्यूटाइन। तो इस तरह से हम इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, ब्यूटाइन में, ब्यूट वन आइन में। नोट कर लीजिए पहला कन्वर्जन। बच्चों हमारा जो अगला कन्वर्जन है नंबर टू, वो है बच्चों हमारा इथेन टू ब्रोमोइथीन। बहुत ध्यान से देखिए, एक एक रिएक्शन क्लियर कर दी जाएगी बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इथेन टू ब्रोमोइथीन, हमें क्या करना है बच्चों, इथेन से हमें बच्चों ब्रोमोइथीन को बनाना है। इज इट क्लियर? चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथेन से हमें ब्रोमोइथीन को बनाना है। सबसे पहले बच्चों बहुत एक एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, इथेन की हम ब्रोमीन से रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, तो जब इथेन की ब्रोमीन से रिएक्शन लिखेंगे तो इथेन का फार्मूला क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए हम इसकी रिएक्शन किससे लिखते हैं, इसकी रिएक्शन हम लिखेंगे ब्रोमीन से, इथेन की हम ब्रोमीन से रिएक्शन लिखेंगे, तो एक एच यहाँ से और एक बी आर ये, एक एच यहाँ से और एक बी आर ये, तो क्या निकल गया बच्चों, जब हमारा एक एच यहाँ से और एक बी आर यहाँ से निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस एच बी आर, है ना, माइनस क्या हो गया एच बी आर, एक एच यहाँ से एक बी आर, एच बी आर निकल गया, एक बी आर बचा, तो ये बी आर क्या होगा बच्चों, यहाँ अटैच हो जाएगा, तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा बी आर। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया इथेन, ये ब्रोमो है और दो कार्बन एथ है, एथ का एन बनाया, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो ब्रोमो इथेन। अब इस ब्रोमो इथेन की बच्चों हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाएंगे, बहुत ध्यान से, किससे रिएक्शन करवाएंगे, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाएंगे। अब रिएक्शन कैसे होती है वो देखिए, एल्कोहलिक KOH से इसकी एक्चुअल रिएक्शन कैसे होती है देखिए, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया BR, और यहाँ पर बच्चों हम एल्कोहलिक KOH से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। अब देखिए एल्कोहलिक KOH से बच्चों डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, हाइड्रोजन भी निकलता है हैलोजन भी निकलता है, तो पहले क्या होगा बच्चों, ये K और ये BR, K और BR क्या निकल जाएगा बोलो, KBR, तो यहाँ पर एक K और एक BR निकल गया बच्चों, तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया KBR निकल गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, ये K और ये BR, KBR क्या निकल गया, ये निकल गया KBR। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हाइड्रोजन निकलता है वो फंक्शनल ग्रुप के बीटा से निकलता है, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा का एक हाइड्रोजन, बीटा का एक हाइड्रोजन और ये OH, तो एक H और ये एक OH क्या निकल गया, H2O, ये निकल गया H2O। फिर से देखिए, एक OH ये वाला और एक H बीटा वाला, क्योंकि जब भी एल्कोहलिक KOH से होगी तो हाइड्रोजन हमेशा बीटा का निकलता है, तो एक H और एक OH क्या निकल गया बोलो, H2O। अब तुम्हारा यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तुम्हारा बचा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। कार्बन की वैलेंसी देखें, दो और एक तीन, तीन और एक चार, ठीक है, तो क्या क्या निकला, KBR निकला, H2O निकला, तो यहाँ पर एक आपका निकला KBR और दूसरा आपका निकला H2O। KBR H2O निकलने के बाद क्या बन गया बोलो, CH2, यहाँ आपका बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन नोट कर लेना, तो आपका बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक एक स्टेप क्लियर कर रहा हूँ बच्चों मैं आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होता है बच्चों, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 की ब्रोमीन से रिएक्शन होती है BR2 से, है ना, इसका नाम लिख लीजिए ब्रोमीन। अब क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होती है, एक एच एक बी आर, ठीक है, एक एच यहाँ से हट जाता है, एक एच यहाँ से हट जाता है, दो एच हट जाते हैं और दो बी आर लग जाते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन होती है, CH2 डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 BR, एडिशन रिएक्शन होती है बच्चों, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जब ब्रोमीन जुड़ता है तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, एक BR यहाँ जाता है, एक BR यहाँ जाता है। इस कंपाउंड का नाम क्या था बच्चों, दिस इज इथीन, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1,2, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा बच्चों, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस 1,2 डाइब्रोमो इथेन की फिर से एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखें, हमने लिखा BR सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सिंगल बॉन्ड बी आर, ठीक है, ये वन ये टू, तो वन टू, वन टू डायब्रोमो इथेन, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं KOH से, और हमारा ये जो KOH है बच्चों, ये अल्कोहलिक KOH है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक के ये वाला, एक के ये वाला, बहुत ध्यान से, एक के ये वाला और एक बी आर यहाँ से, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चले कोई भी निकाल लीजिए, एक के वाला और एक बी आर यहाँ से, ठीक है, इज इट क्लियर, एक के यहाँ से एक बी आर यहाँ से हमने निकाल लिया, ठीक है, या ये के एक के ये वाला और एक बी आर यहाँ से निकाल लिया, कहीं से भी निकाल लो, चलो ये वाला निकालते हैं, ये दोनों निकालते हैं, एक ये वाला और एक बी आर ये वाला निकालते हैं, क्या निकल गया बोलो तिवारी सर, ये निकल गया के बी आर, ये निकल गया के बी आर, जब आपने यहाँ से बी आर निकाला तो ये तुम्हारा अल्फा होगा, ये तुम्हारा बीटा होगा, थोड़ा बहुत ध्यान से सुनना, ये भी बी आर है, ये भी बी आर है, कोई भी एक बी आर निकाल लीजिए, तो एक के एक बी आर निकाल लिया, तो ये तुम्हारा अल्फा होगा, ये तुम्हारा बीटा होगा। हमने क्या बोला था, एल्कोहलिक केओएच से जब भी रिएक्शन होती है तुम्हारा हैलोजन भी निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, लेकिन हाइड्रोजन तुम्हारा निकलता है बीटा से, तो ये वाला हैलोजन हमने निकाल दिया के बी आर, अब ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा से तुम्हारा हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक एच ये और एक ओ एच ये, क्या निकल गया तुम्हारा बच्चों, ये निकल गया एच टू ओ। अब क्या बचा, यहाँ पर बचा सी एच टू, यहाँ बचा सी एच, ये बचा बी आर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच और सिंगल बॉन्ड बी आर। कार्बन की वैलेंसी दो और एक तीन, है ना, एक दो तीन और एक चार, तो एक काम करें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड बी आर, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड बी आर, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। बहुत ध्यान से एक एक स्टेप क्लियर है, एक के एक बी आर, के बी आर निकल गया, है ना, ये वाला एच नहीं अल्फा बीटा, बीटा वाला एच, एक एच और यहाँ से वो एच, एच टू ओ निकल गया, ठीक है, बचा क्या सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बी आर, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, हमें बनाना भी वही था ब्रोमोइथीन, हमें जो बनाना था बच्चों, हमें बनाना था ब्रोमोइथीन, तो इस तरह से बच्चों वी हैव कन्वर्टेड इथेन इंटू ब्रोमोइथीन। फिर से देखिए, इथेन की बी आर टू से रिएक्शन करवाई, ब्रोमोइथेन बन गया, एल्कोहलिक से रिएक्शन करवा के मैंने बताई थी आपको, इथीन बन गया, ब्रोमीन से एडिशन रिएक्शन करवाई, एक एक एच हट गया, एक एक बी आर जुड़ गया, वन टू डायब्रोमोइथीन बन गया, वन टू डायब्रोमोइथीन की जब केओएच से रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमो इथीन बनता है। एक एक स्टेप बच्चों मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसको आराम से नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला जो कन्वर्जन है वो है प्रोपीन टू नाइट्रोप्रोपेन, हमारा अगला कन्वर्जन है बच्चों प्रोपीन टू, बहुत बढ़िया, देखिए एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है, प्रोपीन टू नाइट्रोप्रोपेन, मतलब आपको प्रोपीन दिया है और आपको प्रोपीन से बच्चों नाइट्रोप्रोपेन को बनाना है ना, एक एक की ध्यान रखना। सबसे पहले हम प्रोपीन देखें, प्रोप मतलब तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन मतलब प्रोप, इन इन मतलब डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, एक एक और तीन चार, एक दो तीन, तीन और एक चार, दो दो और दो चार, इस कंपाउंड का बच्चों हमारा नाम हो गया प्रोपीन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, प्रोपीन से ब्रोमो प्रोपेन बनाते हैं और ब्रोमो प्रोपेन के सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन करवा देते हैं, बहुत ईजी। देखिए बच्चों, ये इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कन्वर्जन कैन बी डन बाय अ सिंगल रिएक्शन, एनी रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द कन्वर्जन, बट ऑलवेज कंसिडर्ड सिंपल रिएक्शन। चलिए इस प्रोपीन के हमें काम करते हैं, हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, है ना बच्चों, आपको मालूम होगा हैलोजन एसिड में मैंने ले लिया एच बी आर, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, है ना, मैं नाम बोल रहा हूँ, एच बी आर का नाम होगा बच्चों हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अब आपको याद हो आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में दो रूल पढ़ा है, एक मार्क एडिशन पढ़ा है और एक एंटी मार्क एडिशन पढ़ा है। मार्क एडिशन में क्या था कि जो निगेटिव है इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, अगर हम चार्ज लिखें तो ये निगेटिव या पॉजिटिव, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, अगर आप वीडियो देखें रिविजन में, कि निगेटिव वाला कम, देखिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये दो हाइड्रोजन है, ये असिमेट्रिक एल्कीन है। तिवारी सर आपको कैसे पता चला कि प्रोपीन असिमेट्रिक एल्कीन है, क्योंकि कार्बन कार्बन से जुड़ने वाले जो दो कार्बन है इनमें एक के पास कम हाइड्रोजन है, एक के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो कम वाला कम से जुड़ता है, ज़्यादा वाला ज़्यादा से जुड़ता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये मार्क एडिशन, मार्क एडिशन। लेकिन यहाँ पे वन ब्रोमो प्रोपेन चाहिए तो हम लगाएंगे एंटी मार्क एडिशन। एंटी मार्क एडिशन कब होता है बच्चों, जब हम परऑक्साइड लेते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा कि जब हम परऑक्साइड लेते हैं तो जुड़ने वाला अपोजिट हो जाता है, कम वाला ज़्यादा से जुड़ता है और ज़्यादा वाला कम से जुड़ता है, तो परऑक्साइड इफेक्ट है। परऑक्साइड इफेक्ट मतलब कौन सा रूल लगा दिया हमने, लगा दिया एंटी मार्क एडिशन, है ना, यहाँ मैंने लिखा है बच्चों एंटी मार्क, एम ए आर के मार्क एडिशन। अब क्या होगा, ज़्यादा वाला, ज़्यादा वाला ज़्यादा से जुड़ेगा, ठीक है, एंटी मार्क एडिशन, एंटी मार्क एडिशन, ज़्यादा वाला कम से जुड़ेगा, कम वाला ज़्यादा से जुड़ेगा, तो H+ जुड़ता है इससे,
देखिए मैं आर ओ भी बना दूँ, एच प्लस यहाँ जुड़ जाएगा और बी आर यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा सी एच थ्री, ये हो जाएगा सी एच टू, डबल की जगह क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा सी एच टू और ये हो जाएगा बी आर। अगर आप इसका यू पी एस सी नेम लिखें, इसका तो प्रोपीन हो गया, ये ब्रोमो और 1, 2, 3 प्रोप, तो ब्रोमो प्रोपेन या 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन लिख दो बच्चों या ब्रोमो प्रोपेन लिख दो, बात एक ही, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हाल फिलहाल यहाँ वैल्यू नहीं होती, वैसे तो होती है 1 ब्रोमो, है ना, ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया ब्रोमो प्रोपेन, क्या हो गया बच्चों ब्रोमो प्रोपेन। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रोमो प्रोपेन की सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन करवा देते हैं, ए जी एन ओ टू, मैं नाम बोल रहा हूँ नाम लिखते जाइएगा, यहाँ मैं नाम लिख रहा सिल्वर नाइट्राइड ए जी एन ओ टू से हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। जब करवा देते हैं तो एक ये बी आर बच्चों और एक ये सिल्वर, क्या निकल गया सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, क्या निकला बच्चों माइनस ए जी बी आर, सिल्वर ब्रोमाइड निकल गया। जब सिल्वर ब्रोमाइड निकल गया तो क्या बचा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू, तो ये हमारा बच्चों जो मेन प्रोडक्ट है सी एच थ्री, ये हो गया सी एच टू, ये हो गया सी एच टू और ये हो गया एन ओ टू, इसका नाम क्या हो गया नाइट्रो, वैसे तो होगा प्रोपाइल नाइट्राइट, प्रोपाइल नाइट्राइट कॉमन नेम है, लेकिन हमसे बोला नाइट्रो प्रोपेन, तो नाइट्रो 1, 2, 3 प्रोप, प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, तो इस कंपाउंड का बच्चों नाम क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी नाइट्रो प्रोपेन। तो इस तरह से बच्चों हमने कन्वर्जन कर लिया कि प्रोपीन इनटू नाइट्रो प्रोपेन, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा अगला कन्वर्जन है इथेनॉल इनटू, हमारा अगला कन्वर्जन है बच्चों इथेनॉल इनटू इथाइल फ्लोराइड, हमारा जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वह इथेनॉल इनटू इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड कह दो तो भी सही है, या हम इसको फ्लोरोइथेन कह दें, फ्लोरोइथेन कह दें तो भी सही है, तो हमें इथेनॉल दिया है बच्चों और इथेनॉल से हमें इथाइल फ्लोराइड बनाना है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आप इथेनॉल ले लो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, और इथेनॉल की पी सी एल फाइव से करवा दो या एसओ सी एल टू से करवा दो, किसी से भी करवा दो, है ना। चलिए पी सी एल फाइव से, तो मैंने आपको बता दिया कि यदि हम आपको इसको पी सी एल फाइव से करेंगे तो क्या निकलेगा पी ओ सी एल थ्री निकलेगा और एस सी एल निकलेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एल इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ये भी सही है। अगर आप मान लीजिए इथाइल क्लोराइड को ऐसे कन्वर्ट कर दो, ये रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको, चलिए है ना, अब इसकी रिएक्शन पी सी एल फाइव से करवा दिया इथाइल क्लोराइड बन गया, अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बच्चों सिल्वर फ्लोराइड से ए जी एफ से। आपने सुना होगा मैंने आपको पढ़ाया था हैलोजन एक्सचेंज मेथड, है ना, हैलोजन एक्सचेंज मेथड में बच्चों मैंने आपको दो रिएक्शन बताई थी, एक तो बताया था फिनकेलस्टीन रिएक्शन और एक बताया था स्वार्ट्स रिएक्शन। फिनकेलस्टीन क्या होती है, व्हेनेवर एनी क्लोराइड, व्हेनेवर एनी 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 सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड, एनी एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड, दैट इज कॉल्ड एज फिनकेलस्टीन रिएक्शन, लेकिन हमें चाहिए फ्लोराइड, तो फ्लोराइड के लिए अगर हम लें तो हमें इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी ए जी एफ से। और इस रिएक्शन का बच्चों अगर आपको नाम याद हो तो हमने आपको बताया था इसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ये तो तुम्हारा हो गया क्लोरोइथेन, इसका नाम क्या हो गया बच्चों क्लोरोइथेन, तो अब क्या हो गया एक ए जी और एक सी एल, ये निकल गया, क्या निकल गया आपका माइनस ए जी सी एल, एफ बचा आपका, एफ बचा वो एफ यहाँ जुड़ गया, तो क्या हो गया आपका ये हो गया बच्चों सी एच थ्री, ये हो गया सी एच टू एफ, इसे इथाइल फ्लोराइड बोल दो या फ्लोरोइथेन बोल दो, तो मैं कोई एक ही नाम लिख रहा हूँ, मैं कॉमन ही नेम लिख रहा हूँ इथाइल फ्लोराइड। अब देखिए बच्चों एक चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है इस रिएक्शन के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर जरूरी नहीं कि आप हमेशा पी सी एल फाइव का इस्तेमाल करें, आप कोई दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया सी एच थ्री सी एच टू एच, हम नहीं ले रही है, हमें नहीं लेना, हम ले रहे हैं थायोनिल क्लोराइड, याद करिए कौन सी रिएक्शन याद आई डार्जन्स मेथड, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था दिस इज सपोज टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एसओ सी एल टू डार्जन्स मेथड, याद करिए डार्जन्स मेथड क्या था, याद आया, देखिए डार्जन्स मेथड क्या था मैं आपको समझा रहा हूँ, सबसे पहले आप ओ एच हटा दीजिए, ओ एच की जगह पे सी एल लगा दीजिए, तो हो जाएगा सी एच थ्री, हो जाएगा सी एच टू सी एल, अच्छा और क्या निकलेगा बोलो, एच ये और सी एल ये निकल गया एच सी एल, एच ये सी एल ये एच सी एल, एक एसओ ये बचा एक ओ ये बचा, क्या निकल गया, ये निकल गया माइनस एसओ टू, ये दो चीज़ निकल गई। अब इसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए, वही लिख दीजिए सिल्वर फ्लोराइड, कौन सी रिएक्शन थी आपकी, ये थी स्वार्ट्स रिएक्शन, ये हमारी बच्चों थी स्वार्ट्स रिएक्शन, फिर से वही निकाल दीजिए ए जी एफ, क्या निकाल दीजिए बताइए, हमने यहाँ से निकाल दिया सी एल और ये जी निकल गया,
तो ये निकल गया माइनस माइनस AgCl, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस AgCl निकल गया, क्या बचा आपका, ये बचा CH3, ये बचा CH2F फ्लोरोइथेन या सिल्वर फ्लोराइड, फ्लोरोइथेन कह दो तो भी सही है, सिल्वर फ्लोराइड कह दो तो भी सही है। तो बच्चों इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने ये देखा कि हम किस तरह से इथेनॉल को हम इथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोइथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैलाइड में कन्वर्जन के लिए PCl3 ले लो, PCl5 ले लो, SOCl2 ले लो, HCl ले लो, एनी कंपाउंड कैन बी यूज्ड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अगला कन्वर्जन है बच्चों, कन्वर्जन नंबर 5, टॉलुइन इनटू बेंजोइल अल्कोहल। हमें टॉलुइन दिया है, आपको मालूम है टॉलुइन का एक और नाम होता है, टॉलुइन को बच्चों हम मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। टॉलुइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन, और इससे हमें बनाना है बेंजाइल एल्कोहल। हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना है बेंजाइल एल्कोहल। थोड़ा सा बच्चों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, बेंजाइल एल्कोहल के बारे में बताना चाहूँगा। अगर बच्चों हमारी बेंजीन रिंग है, हर कोने पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटाकर अगर हम डायरेक्ट OH लिख दें तो हम इसे बोलते हैं बच्चों फिनोल, इसे हम बेंजाइल एल्कोहल नहीं बोलते, दिस इज कॉल्ड एज फिनोल। तो तिवारी सर फिर बेंजाइल एल्कोहल किसे बोलेंगे, अगर ये रिंग हो बच्चों, इस रिंग के अंदर CH2 ग्रुप जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं बेंजाइल, C6H5CH2, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल। और अब अगर आप यहाँ लिखोगे तो बच्चों दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजाइल एल्कोहल। तो सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोल एंड बेंजाइल एल्कोहल। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि हम आपको टॉलुइन देते हैं, मिथाइल बेंजीन देते हैं, और आप इसको बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करो। बिल्कुल करते हैं भाई, देखिएगा बहुत ध्यान से किस तरह से हम इसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमने टॉलुइन लिया, आपको मालूम है भाई हमारे टॉलुइन का फार्मूला क्या है, ये रिंग है और ये CH3 है, तो मिथाइल बेंजीन कह दे तो भी सही है और टॉलुइन कह दे तो भी सही है। तो मैं यहाँ पर एक ही नाम लिख रहा हूँ टॉलुइन। इस टॉलुइन की रिएक्शन बच्चों हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं, है ना, क्लोरीन के साथ इसको हीट करते हैं, तो एक एच यहाँ से और एक सी एल यहाँ से क्या निकल जाता है बच्चों, माइनस HCl निकल जाता है, एक एच यहाँ से एक सी एल यहाँ से, कौन सा ग्रुप बच गया बताओ, जब एक एच वहाँ से हट जाएगा बच्चों तो हमारा जो ग्रुप बना वो ये ग्रुप बना, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजाइल ग्रुप, C6H5CH2, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजाइल ग्रुप, और एक सी एल जो हमारा बचा वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बच्चों बेंजाइल क्लोराइड। ये जो हमारा कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक्वस, है ना, मैंने बच्चों आपको रिएक्शन बताया था कि एक्वस में सिंपली क्या होता है, KCl निकल जाता है, एक्वस की वजह से जब रिएक्शन करवाएंगे बच्चों तो सिंपली क्या होगा, ये हमारा KCl निकल जाता है, और यहाँ पर CH2O है और यहाँ OH है, तो ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल, हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है बच्चों। इधर देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एक एक चीज़, एक एक रिएक्शन बिल्कुल माइन्यूटली मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन कन्वर्जन। तो जब यहाँ पर वो निकल जाएगा बच्चों तो ये आपकी रिंग हो गई, और रिंग के बाद यहाँ पर ये बच गया CH2, और सिंगल बॉन्ड ये हो गया OH, ये हो गया बेंजाइल ग्रुप और ये OH हो गया, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजाइल एल्कोहल। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, टॉलुइन को, या हम इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, वी कैन कन्वर्ट इन टू बेंजाइल एल्कोहल। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अगला कन्वर्जन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट कन्वर्जन प्रोपीन टू प्रोपाइन। हमारा जो अगला कन्वर्जन है बच्चों उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोपीन है, प्रोपीन से हम क्या बना रहे हैं, प्रोपाइन, है ना, दिस इज अवर नेक्स्ट कन्वर्जन इन विच वी आर कन्वर्टिंग प्रोपीन इन टू प्रोपाइन, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों ये किस तरह से रिएक्शन होती है। सबसे पहले हम प्रोपीन का फार्मूला लिख रहे हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, चार कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी चार, एक और तीन चार, दो तीन और एक चार, दो और दो चार। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं, आप डायरेक्ट ब्रोमीन ले सकते हो, वैसे ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यदि आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये एडिशन रिएक्शन होती है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी हैलोजन या किसी भी कंपाउंड का जो एडिशन होता है वह क्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इस कंपाउंड को यदि हम नाम लिखें बच्चों तो इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपीन। अब क्या होगा, डबल सिंगल में कन्वर्ट होगा, एक BR यहाँ जुड़ जाएगा, एक BR यहाँ जुड़ जाएगा, तो जब ये जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा CH3, है ना, CH3, ये हो गया CH, ये तुम्हारा BR हो गया, ये हो गया CH2 और ये तुम्हारा BR हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों,
वन टू, यहाँ से नंबरिंग करें तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन, है ना बच्चों? इस कंपाउंड का नाम होगा 1,2, लिख लीजिए, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1,2 डायब्रोमो। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें क्या मिला, 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन मिला बच्चों। अब हम इसको क्या करते हैं, सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया के साथ हीट करते हैं। सोडामाइड का फार्मूला होता है NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, इन लिक्विड अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया के साथ हम इसको हीट करते हैं, है ना। जब भी कभी हम बच्चों डायहैलोजन कंपाउंड को, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब भी हम कभी डायहैलोजन कंपाउंड को 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन, एक ब्रोमो 1 पर है, एक ब्रोमो 2 पर है, 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन को जब भी बच्चों हम सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, NaNH2 को क्या बोलते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है NaNH2 को, तो इसको हम बोलते हैं सोडामाइड। हमने सोडामाइड को जब लिक्विड अमोनिया के साथ इसको गर्म करते हैं तो बच्चों 2HBr निकलता है। देखिए AH और 1Br ये, ध्यान दीजिए, AH 1Br ये और AH यहाँ से और 1Br ये, क्या निकलता है, -2HBr। एक बार फिर को आपको समझा दूँ, जब हम इस कंपाउंड को सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो AH ये 1Br ये, AH यहाँ से और 1Br ये, 2HBr निकल जाता है। बचा क्या तुम्हारा बच्चों, बताओ, एक ये बचा CH3, यहाँ बचा CH और सिंगल बॉन्ड बचा CH। चलिए कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करें, 3 और 1 4, 1 2 3, है ना, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हटा लिया ना हमने, ये हाइड्रोजन हटा लिया तो इस कार्बन की वैलेंसी बची 1, होनी चाहिए 4, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा और इसकी वैलेंसी 3 और 1 4। फिर से देखिए, AH 1Br यहाँ से निकल गया, AH 1Br यहाँ से निकल गया, यहाँ बचा C, यहाँ बचा CH, दोनों के बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो इस कंपाउंड का नाम 1,2,3 प्रोप ट्रिपल बॉन्ड 9, 1 और 2 के बीच में छोटा 1 है, तो 1-propyne लिख दो तो भी सही है, या प्रोपाइन लिख दो तो भी सही है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद करनी है कि अगर हम सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया लेंगे बच्चों तो वह HBr को डिलीट करता है, तो एक HBr ये डिलीट करेगा, एक HBr ये डिलीट करेगा और 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन को सीधे ही एल्काइन में कन्वर्ट कर देगा। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रोमोमीथेन से ब्रोमोमीथेन इनटू प्रोपेनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है बच्चों, ब्रोमो मीथेन से हमें प्रोपेनॉल को बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रोमो मीथेन से हमें प्रोपेनॉल को बनाना है, है ना, ध्यान से इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। हमें हमारा कन्वर्जन क्या है, हमारा कन्वर्जन है कि हमें ब्रोमो मीथेन लेना है और ब्रोमो मीथेन से हमें बनाना क्या है बच्चों, हमें बनाना है प्रोपेनॉल। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा किस तरह से, है ना, ब्रोमो मीथेन से हम प्रोपेनॉल को किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। हमने लिया CH3 और Br, बच्चों सबको मालूम है द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, तो अगर हम इसका IPSC नेम लिखें बच्चों तो इसका IPSC नेम होगा ब्रोमोमीथेन। हम क्या करते हैं, इसकी एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं, हम पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं लेकिन वो एल्कोहलिक है, कैसा है बोलो, एक्वस ले लो, एक्वस पोटेशियम साइनाइड से बच्चों हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, किससे करवाते हैं बोलो, एक्वस, एक्वस ना लिख कर एल्कोहलिक ले लो, ज़्यादा बेटर होगा, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, देखो ये के इस Br से निकल जाता है, ये के इस Br के साथ निकल जाता है, क्या निकल गया बोलो, -KBr, और ये CN बचा बच्चों तो इसके साथ जुड़ जाता है, तो हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। आपको याद हो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब हम मिथाइल साइनाइड के ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो सीधे हमें क्या मिलता है बताओ, सीधे हमें मिलता है प्रोपेनॉल। कैसे, देखिए करवाते हैं रिएक्शन, ये CH3CN है, इसका नाम बताओ तिवारी सर, इसका IPSC नेम होगा मिथाइल नाइट्राइल और कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल साइनाइड। देखिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इसको हम मिथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, वो भी सही है, और IPSC नेम लिखे तो मिथाइल नाइट्राइल होता है। अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है CH3MgBr, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, चाहो तो कहीं लिख लो, मैंने यहाँ लिख लिया कि अगर आपको इसका नाम नहीं मालूम तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसका शॉर्ट में अगर हम नाम लिखें तो इट इज़ कॉल्ड एज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब सुनिए बच्चों, मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव तिवारी सर, मिथाइल पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इस मिथाइल पर नेगेटिव है और इस पूरे पर पॉजिटिव है,
ठीक है। ये बच्चों जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, बिल्कुल सही तिवारी सर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जल्दी बताइए किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है बच्चों, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो 3 में से एक पेयर इलेक्ट्रॉन था वो नाइट्रोजन के करीब जाएगा, नाइट्रोजन पर आएगा निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर आएगा निगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से समझिए, CH3MgBr ग्रेनार्ड रिएजेंट है, Mg पर प्लस है, बिल्कुल सही, मेटल है ये पूरा पॉजिटिव है, CH3 पर निगेटिव है, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, एक पाई का इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाएगा। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तिवारी सर। इसका मतलब क्या होता है, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है। देखिए, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ गया, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ गया, रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ध्यान से दीजिए, ये वाला निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ गया, ये वाला निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ गया। अब जो दिखा वो आप लिख दीजिए, देखिए हमें क्या दिखा बच्चों, बहुत ध्यान से, हमें दिखा CH3, बिल्कुल सही, सी, इस सी से ये वाला CH3 जुड़ गया, हमने लिख दिया CH3, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ आ गया था, दो बॉन्ड बचा, ये हो गया डबल बॉन्ड, बचा नाइट्रोजन, ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन, और ये हो गया Mg, और ये हो गया Br, बहुत ध्यान से, ये हो गया CH3C, ये CH3, थोड़ा सा मैं उधर घुसका के लिख दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ा उधर शिफ्ट कर दिया। फिर से देखिए, सबसे पहले CH3 था, तो ये मैंने लिख दिया CH3, सिंगल बॉन्ड C से कौन जुड़ गया, ये देखिए, ठीक है तिवारी सर, C से CH3 जुड़ गया, ट्रिपल बॉन्ड की जगह कौन सा, डबल बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा N, N से कौन जुड़ा, Mg, और Mg से कौन जुड़ा, Br। तो ये जो बच्चों हमारा जो कंपाउंड बना है ना, दिस इज कॉल्ड एज एडिशन कंपाउंड या इंटरमीडिएट कंपाउंड। इस कंपाउंड को बच्चों हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। क्यों तिवारी सर, क्यों एडिशन कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में, एसिड को H+ लिखते हैं, हम इसका करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करवाते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस। आपको याद हो ये रिएक्शन मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि जब कभी हम किसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वहाँ हमें दो वाटर के मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। कितने वाटर के मॉलिक्यूल की बच्चों, दो। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक H2A, एक H2A, ठीक है, और एक OA, एक ऑक्सीजन इधर ले आए, एक HA और एक OH ये। तो एक वाटर ये हो गया H2O और HOH दूसरा वाटर ये हो गया। हमने इसको तोड़ दिया, बिल्कुल आंखों पर विश्वास कीजिए, मैंने इसको तोड़ दिया। जब मैंने इसको तोड़ दिया तो क्या बचा बच्चों, बताइए, मैंने इसको तोड़ दिया, जब मैंने इसको तोड़ दिया तो ये प्रोपेनॉल नहीं है, दिस विल बी बच्चों प्रोपेनॉन। अब देखिए क्या किया, यहाँ सुधार लीजिएगा, दिस इज प्रोपेनॉन। अब देखिए CH3COCH3 क्या हो गया बोलो, CH3 है ना, CH3COCH3, तो एक हमें बन गया CH3COCH3 प्रोपेनॉन प्लस, क्या निकल गया, NH2 और HNH3 अमोनिया, ये हो गया NH3 अमोनिया। मैग्नीशियम की वैलेंसी दो होती है, तो एक वैलेंसी से जोड़ दो Br और एक वैलेंसी से जोड़ दो OH। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बना वो कौन सा बना, हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बना वो बना 2-propanol, है ना, 2-propanol कह दो या सिंपली प्रोपेनॉन कह दो तो भी सही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, हाउ डू यू कन्वर्ट ब्रोमोमीथेन इनटू 2-propanol, आप ब्रोमोमीथेन को 2-propanol में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले KBr निकाल लिया, साइनाइड बचा, मिथाइल नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड बना दिया, मिथाइल साइनाइड की ग्रेनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा दी, तो बच्चों हमें क्या मिल गया, 2-propanol। बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को नोट करिएगा बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। हमारा अगला कन्वर्जन है ब्यूट वनीन से हमें कन्वर्ट करना है ब्यूट टू इन पे। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमें 1-butene से 2-butene चाहिए, है ना, चाहो तो आप ऐसा लिख दो कि 1-butene into 2-butene, है ना, हमें ब्यूट टू इन बनाना है या 1-butene से हमें 2-butene बनाना है, बात एक ही है। आप ऊपर वाला बोल दो तो भी सही है, नीचे वाला बोल दो तो भी सही है। देखिए बच्चों बहुत इजी है ये, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, सबसे पहले हमें बनाना है ब्यूट वनीन, तो 1-1-2-1 के बाद डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 2 4। अब नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, अगर आप इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में है, छोटा 1 है तो 1-butene,
या आप इसको लिख लो ब्यूट वन ईन। कोई प्रॉब्लम किसी को भाई बता दो, फिर से दे बताता हूँ मैं, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 चार है तो हो गया ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो हो गया ईन ब्यूटीन। अब डबल बॉन्ड तुम्हारा 1 और 2 के बीच में, छोटा 1 है तो ब्यूट 1 ईन या 1 ब्यूटीन। वैसे तो हम लिखते नहीं है बच्चों, फिर भी आप इसको ब्यूट 1 ईन या 1 ब्यूटीन लिख सकते हैं। हम इसको बच्चों HBr से रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोब्रोमिक से एसिड से रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे मार्क एडिशन लगा देते हैं। मार्क एडिशन समझते हो, मार्क ओनिकॉफ रूल है ना, हमने यहाँ पे मार्क एडिशन लगा दिया। बिल्कुल सही तिवारी सर, मार्क एडिशन बच्चों मैंने सबको बताया था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कम वाला कम से, ज़्यादा वाला ज़्यादा से, डबल बॉन्ड के अक्रॉस। तो कम वाला कम से यानी कम वाला इससे जुड़ेगा, ज़्यादा वाला ज़्यादा से इससे जुड़ेगा अक्रॉस डबल बॉन्ड। अब आपका क्या बनेगा बोलो, ये हो गया CH3, ये हो गया तुम्हारा है ना, क्या हो गया बताओ CH3, ये आपका हो गया CH2, CH से क्या जुड़ेगा बोलो BR, और यहाँ पर जुड़ गया CH3। बहुत ध्यान से, CH3 ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH से BR जुड़ गया, और जब CH से BR जुड़ गया तो बच्चों हमारा डबल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 3 और 1 4। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से साइड चेन पास हो, 1 2 3 3 पे पढ़ रही है, 1 2 2 पे पढ़ रही है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 2 2 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2 ब्रोमो ब्यूटेन की एल्कोहलिक क्यों इससे रिएक्शन करेंगे, किससे रिएक्शन करेंगे, एल्कोहलिक क्यों इससे। कोई बच्चा बताएगा इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बच्चों अगर हम नाम देखें तो सेट्जफ रूल को फॉलो करते हुए होता है, अगर सिमेट्री को, और इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया कि जब भी हम एल्कोहलिक क्यों इससे रिएक्शन करवाते हैं, डी मतलब निकलता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, हाइड्रोजन भी निकलता है हेलोजन भी निकलता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब जब हम एल्कोहलिक क्यों इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक के और एक ए बी आर, क्या निकल गया आपका, ये निकल गया के बी आर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये निकल गया हमारा के बी आर, क्या निकल गया बोलो, एक के एक बी आर, तो बच्चों हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया के बी आर। अब सुनिए, ये ओ एच है, अब हम कौन सा हाइड्रोजन निकालते हैं, बीटा, अब यहाँ पे बीटा 2 बार है, अगर ये कार्बन अल्फा है तो इसके बीटा 2 हो सकते हैं, ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है और ये भी बीटा हो सकता है। तो यहाँ पर सेट्जफ रूल लगता है बच्चों, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, फिर भी जाने दीजिए। देखिए अब हम यहाँ 2 बातें कर सकते हैं, ओ एच के साथ हम यहाँ का भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और ओ एच के साथ हम यहाँ का भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम यहाँ का हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें यहाँ पर फिर से वही 2-ब्यूटीन बन जाएगा, फिर से यही बन जाएगा, है ना, और जो पॉसिबल नहीं है, फिर से यही बन जाएगा, क्योंकि सेट्जफ रूल ये कहता है कि स्टेबल हम उस एल्कीन को मानते हैं जिसके दोनों तरफ एल्काइल रेडिकल हो। इसलिए बच्चों हम बीटा वाला हाइड्रोजन निकाल कर इस तरफ वाला बीटा नहीं निकाल कर अंदर वाला बीटा निकालते हैं। तो देखो एक एच यहाँ से, एक ओ एच ये, क्या निकल गया, H2O। अब आपके पास क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, ये KBr निकल गया और ये OH यहाँ का निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, CH3 बचा, यहाँ पर CH बचा, सिंगल बॉन्ड CH बचा और ये बच गया CH3। इज इट क्लियर, ठीक है, इज इट क्लियर। अब बैलेंस करें, 3 और 1 4, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। नंबरिंग करें, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन ब्यूटीन, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में, छोटा 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। देखिए फिर से मैं आपको बता दूँ इस बात को, सुनिए, चलिए मान लीजिए अगर मैं यहाँ का हाइड्रोजन नहीं निकालता तो क्या बनता, यहाँ का हाइड्रोजन नहीं निकालता तो हमारा प्रोडक्ट ये बनता, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, जो अनस्टेबल होता, ये प्रोडक्ट बनता CH2। अगर ये हमारा प्रोडक्ट बनता तो ये अनस्टेबल होता, क्योंकि सेट्जफ रूल ये कहता है कि वो एल्कीन स्टेबल होती है जिसके इस तरफ भी एल्कील हैलाइड हो और उस तरफ भी एल्कील हैलाइड हो। इसलिए हम ये वाला बीटा ना निकाल कर बच्चों फर्स्ट वाला बीटा निकालते हैं। एक बार फिर से देखिए क्या किया मैंने, एक के एक बी आर ये निकाल दिया, के बी आर, एक ओ एच यहाँ का, ये वाले बीटा का एच, तो एच टू ओ निकल गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 2-ब्यूटीन या ब्यूट 2-ईन। तो इस तरह से बच्चों हमने ब्यूट 1-ईन को ब्यूट 2-ईन में कन्वर्ट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी। अगला है बच्चों 1-क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन। हमारा अगला है कि हमें 1-क्लोरोब्यूटेन को है ना कन्वर्ट करना है काहे में, इनटू एन ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब कितने
ऑक्टेन मतलब कितने का कार्बन बच्चों बताओ, आठ। चलिए वन वन क्लोरोब्यूटेन ब्यूट, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, है ना, चार कार्बन तो हो गया ब्यूट, और यहाँ पर हमने लगा दिया सीएल, तो ये हो गया वन क्लोरोब्यूटेन। बैलेंस कर लें, ये हो गया CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, इसका नाम क्या हो गया बोलो, वन क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन बच्चों अगर हम इसकी सोडियम मेटल से रिएक्शन करवा रहे तो एल्केन बन जाएगा सिमेट्रिक, बिल्कुल सही तिवारी सर। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम मेटल से, याद करिए वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में बच्चों हम एल्किल हैलाइड को कितनी बार लिखते हैं, दो बार। तो ये आपका जो मेटल हो गया बच्चों, ये कौन सा मेटल हो गया, ये हमारा हो गया सोडियम मेटल। अब हमने क्या किया, फिर से इसको लिखे रिपीट करके, तो हो गया Cl, हो गया CH2 एक, हो गया CH2 दो, CH2 तीन, और यह CH3। ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया वन क्लोरो ब्यूटेन। मैंने आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताई थी कि पेपर में ये नहीं है कि आपको लिखा जाएगा टू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोब्यूटेन, हमको क्लोरोब्यूटेन से एनऑक्टेन बनाना है। बताइए किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तिवारी सर ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का नाम याद आ रहा है बच्चों, ये रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन। अगर आप देखो तो ये रिएक्शन हमारी वुड्स रिएक्शन है, क्या निकल जाएगा बोलो, ये 2NaCl निकल जाएगा, तो हमारा क्या निकल गया माइनस 2NaCl, 2NaCl निकल गया। क्या बच्चा बताइए, जो दिखा वो लिख दो, हमें क्या दिखा CH3 CH2 CH2 CH2, ये इसमें से उतार लिया। अब बाकी ये पूरा बचा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा CH2 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 और ये CH3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों N ऑक्टेन, क्या नाम हो जाएगा N ऑक्टेन। तो बच्चों हमने क्या किया, वन क्लोरोब्यूटेन को N ऑक्टेन में कन्वर्ट कर लिया, तो उसकी सोडियम से ड्राई थर की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवा ली और हमें N ऑक्टेन बन गया। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अगला कन्वर्जन है बच्चों बेंजीन इंटू डाइफिनाइल। हमारा जो अगला कन्वर्जन है वो है कि हमें बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है। नेक्स्ट कन्वर्जन, हमारा जो अगला कन्वर्जन है बच्चों वो है बेंजीन इंटू डाइफिनाइल, कि हमको बेंजीन को डाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बेंजीन लिखें, ये हमने बेंजीन लिख लिया बच्चों, इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम है बेंजीन, है ना। इसकी रिएक्शन हम क्या करवाते हैं बच्चों, ब्रोमीन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड। FeBr3 जो है वो कैटलिस्ट होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि बेंजीन के हर कोने पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, बिल्कुल तिवारी सर निकाल सकते हैं। अब क्या हो गया, एक H और एक Br, एक देखिए ये तो कैटलिस्ट है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक H और एक Br, क्या निकल गया माइनस HBr निकल गया, HBr निकल गया, एक Br बचा, वो ये Br यहाँ जुड़ गया, तो हमारा जो कंपाउंड बचा वो ये हो गया और ये हो गया Br। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन, है ना। आपको याद हो बच्चों जब हम इस ब्रोमो बेंजीन के सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है डाइफिनाइल। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रोमो बेंजीन का एक मॉलिक्यूल लिखा, क्या नाम है इसका तिवारी सर, इसका नाम है ब्रोमो बेंजीन। अच्छा, बीच में मैंने सोडियम मेटल लिया, वही दो मॉलिक्यूल लेते हैं, फिर से ब्रोमो बेंजीन लिया, ये Br, फिर से मैंने ब्रोमो बेंजीन लिया। तो बच्चों आपको याद हो इस रिएक्शन को मैं अब कहता था फिटिग रिएक्शन, क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन को बच्चों हम इस रिएक्शन का जो नाम लिखते हैं वो लिखते हैं फिटिग रिएक्शन। तो क्या हो गया, 2Na और 2Br ये निकल गया, और एक फिनाइल ये और एक फिनाइल ये, कितने फिनाइल, दो फिनाइल, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है बच्चों वो ये बनता है, एक फिनाइल ये और दूसरा फिनाइल ये, ये दोनों फिनाइल बच्चों आपस में जुड़ जाता है, निकल के आ गया माइनस 2NaBr निकल गया, तो ये निकल गया माइनस 2NaBr, तो ये 2Na ये और 2Br ये, तो 2NaBr निकल गया, एक फिनाइल ये और एक फिनाइल ये, तो ये जो दो फिनाइल है बच्चों इन दोनों फिनाइल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डाइफिनाइल। लेकिन जब आप डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं तो हमने बेंजीन लिखा, बेंजीन को ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया, तो जब ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन। और हम बच्चों क्या करते हैं, इस ब्रोमो बेंजीन की हम सीधे सोडियम मेटल से रिएक्शन करवा देते हैं, Na से, सोडियम मेटल से, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जब हम डायरेक्ट लिखते हैं ना तो यहाँ हमें ऐसे बना के बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारे दिमाग में पिक्चर है कि जब ब्रोमो बेंजीन की सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हम ये दो लेंगे और 2NaBr निकल जाएगा,
तो यहाँ पर बच्चों हमें जो कन्वर्जन में लिखना पड़ता है वो हमें डायरेक्ट लिखना पड़ता है। तो चलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, एक फिनाइल ये और दूसरा फिनाइल ये, तो फिनाइल और फिनाइल क्या हो गया बोलो, इसको हम बोलते हैं डाई, ये हमारा डाई फिनाइल हो गया। देखिए ये तो आपके दिमाग में चीज़ें जो चल रही है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा कि ब्रोमोबेंजीन है, सोडियम से रिएक्शन किया तो हमारे दिमाग में चला कि दो ब्रोमोबेंजीन के मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्ट कर गए, फिटिक रिएक्शन हो गई, 2NaBr निकल गया और डाइफिनाइल बन गया। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो है डाइफिनाइल। तो हमें पेपर में नीचे वाला नहीं लिखना, ये तो याद करने के लिए, हमें पेपर में ऊपर वाली लिखना है। तो ये था कि बेंजीन इंटू डाइफिनाइल, नोट कर लीजिए बच्चों। अगला कन्वर्जन देखते हैं बच्चों, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। हमारा अगला कन्वर्जन है बच्चों कि हमें प्रोपीन लेना है और प्रोपीन को हमें कन्वर्ट करना है काहे में बच्चों, प्रोपेनॉल में। जब कुछ नहीं पूछा जाए तो इसका मतलब हमें 1-प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले प्रोपीन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन प्रो, डबल बॉन्ड बनाया ही, बाकी सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4 2 3 3 और 1 4 और ये हो गया 2। अब हमें प्रोपेनॉल चाहिए ना, 1-प्रोपेनॉल चाहिए, तो बताइए क्या करें, हम इसमें HBr जोड़ दें, HBr जोड़ दें, किसकी प्रेस में जोड़ दें, परऑक्साइड की प्रेस में जोड़ दें, तभी तो क्या होगा यहाँ ज़्यादा वाले से कम वाला और कम वाले से ज़्यादा वाला, है ना, याद करो मैंने आपको बताया था। इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपीन, इसको हम लिखेंगे प्रोपीन या सिमेट्रिक एल्कीन। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कम से कम वाला ज़्यादा से ज़्यादा वाला कब, जब मार्क एडिशन हो। लेकिन जब हम परऑक्साइड ले लेंगे बच्चों तो हमारा जो मार्क एडिशन होगा वो एंटी मार्क एडिशन हो जाएगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लग जाएगा। तो कम वाला किससे जुड़ेगा, ज़्यादा वाले से, और ज़्यादा वाला जुड़ेगा कम वाले से। चलिए बताइए हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए एक एक चीज़ क्लियर हो रही है बच्चों, एक एक चीज़, ये तुम्हारा बन जाएगा CH3, ये H यहाँ जुड़ गया तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ भी हो जाएगा CH2, और ये तुम्हारा जुड़ गया Br, तो ये हो गया ब्रोमो प्रोपेन। अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखो बच्चों तो इस कंपाउंड का हमारा नाम होगा ब्रोमो प्रोपेन। चलिए अब हम इसकी रिएक्शन करवा दें एक्वस KOH से, सिंपली एक्वस मतलब पानी वाले KOH से। तो क्या होगा, ये Br और ये K, क्या निकल गया बच्चों, ये हमारा निकल गया KBr, सिंपली ये वो जुड़ जाएगा। जब ये वो जुड़ जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, ये बच जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये बन जाएगा OH, 1, 2, 3 प्रोप, प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, OH को बोलेंगे ऑल, 1-प्रोपेनॉल, 1-प्रोपेनॉल लिख दो तो भी सही है, या सिंपली प्रोपेनॉल लिख दो तो भी सही है। तो बच्चों इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड प्रोपीन इंटू प्रोपेनॉल। एंटी मार्कोनिक ऑफ कैसे पता चला, तिवारी से लगेगा परऑक्साइड है, मार्क लगता तो कम वाला कम से, ज़्यादा वाला ज़्यादा से, लेकिन परऑक्साइड है तो एंटी मार्क लगा, तो कम वाला जो है वो ज़्यादा वाले से जुड़ेगा हाइड्रोजन से, और पॉजिटिव वाला ज़्यादा वाला जो है वो कम वाले हाइड्रोजन से जुड़ेगा। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अगला है बच्चों, अगला जो हमारा कन्वर्जन है वो है 1-ब्रोमो प्रोपेन टू 1-ब्रोमो, ध्यान से सुनिएगा, 1-ब्रोमो प्रोपेन टू 2-ब्रोमो प्रोपेन 2-ब्रोमो 2-ब्रोमो प्रोपेन, मतलब बच्चों हमें 1-ब्रोमो प्रोपेन से 2-ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। देखिए कितना इजी है, 1, 2, 3 ये हो गया प्रोप, और 1-ब्रोमो है तो 1 पर Br लगा दिया, बाकी सिंगल लगा दिया, कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस किया, 1 है तो 1 और 3 4 2 है 2 और 2 4 2 है 2 और 2 4 और सिंगल, इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1-ब्रोमो 1-ब्रोमो प्रोपेन। अब हम क्या करवाते हैं बच्चों, इसकी एक्वस KOH से रिएक्शन करवाते हैं, पानी वाले KOH से रिएक्शन करवाते हैं। आपने पढ़ा है पानी वाले से करवाएंगे तो क्या होगा, ये निकल जाएगा -KBr, क्या होगा Br हट जाएगा, Br की जगह पर OH आ जाएगा, Br की जगह पर OH आ जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, CH3 ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया बोलो OH, तो क्या हो गया बोलो CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए अब सॉरी एक्वस से नहीं, यहाँ पर एक काम करिए, आप एल्कोहलिक ले लीजिए, एक्वस मत लीजिए, क्योंकि एक्वस से तो बनेगा नहीं ना, हमें प्रोपीन बनाना होगा ना, तो 1-ब्रोमो प्रोपेन की आप एक काम करिए एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन लिख दीजिए, किससे लिख दीजिए, एल्कोहलिक KOH से, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये हो गया 1-ब्रोमो प्रोपेन और इसकी हम एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। तो जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। देखिए एक के और एक बी आर क्या निकल गया, -KBr, अच्छा एक ओ एच ये अल्फा और ये बीटा, आपको याद करो मैंने बताया था कि देखो एक्वस अगर आप लोगे तो Br की जगह OH आ जाएगा,
लेकिन अगर एल्कोहलिक लोग हैं तो KBr भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, तो एक ओ एच ये, एक एच यहाँ से बीटा से, तो क्या निकल गया माइनस H2O, ये भी निकल गया। अब बचा क्या बताओ, ये वाला H निकला है ना, हमारा बचा बच्चों CH3, ये हो गया CH, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2, क्योंकि CH CH2 बचा तो वैलेंसी पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दिया। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा प्रोपीन। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है टू ब्रोमो प्रोपेन, यानी ब्रोमीन तुम्हारा यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, कम वाले से आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि इसकी रिएक्शन हम HBr से करवा देंगे और यहाँ पर हम मार्क एडिशन लगा देंगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे। मार्क एडिशन का मतलब मार्कोनिकॉफ रूल है ना, ये ज़्यादा वाला है ये कम वाला है, याद करो ज़्यादा वाला कैसे जुड़ता है ज़्यादा से और कम वाला कैसे जुड़ता है कम वाला कम से, मार्क एडिशन है ना, मैंने परऑक्साइड नहीं लिखा। अब क्या होगा बोलो, ये भी यार कम वाला कम से जुड़ेगा और ज़्यादा वाला ज़्यादा से जुड़ेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है बच्चों वो जाएगा CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। तो 1 2 3 टू पे ब्रोमो जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों टू ब्रोमो प्रोपेन, सो इट्स नेम विल बी टू ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट कर लिया। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों, चलिए नोट डाउन इन योर कॉपी। अगला है बच्चों बेंजीन इंटू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, और अगला कन्वर्जन है बेंजीन इंटू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, कि हमें बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना है। चलिए चलते हैं भाई इस कन्वर्जन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम लेंगे बेंजीन, सबको मालूम है ये बेंजीन है, ये हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन से, आयरन ब्रोमाइड की प्रेजेंस में जो कैटलिस्ट है एक एच और एक बी आर। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या हो जाएगा, एक एच यहाँ से और एक बी आर यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा एच बी आर। जब ये एच बी आर निकल जाएगा तो क्या होगा, ब्रोमीन से एक बी आर बचा, भाई देखो एक एच एक बी आर एच बी आर निकल गया, ये जगह खाली हुई, ये ब्रोमीन यहाँ जुड़ गई, जब ये ब्रोमीन यहाँ जुड़ गई तो ये रिंग हो गया और ये हो गया बी आर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, इस कंपाउंड का नाम है बच्चों ब्रोमोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड के साथ, क्या बच्चों हम नाइट्रिक एसिड को HONO2 लिखते हैं, बिल्कुल तिवारी सर, देखिए नाइट्रिक एसिड को हम क्या लिखते हैं HNO3। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला बच्चों मैंने आपको बताया था HNO3, हम लिखते हैं HONO2। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से जो रिएक्शन होती है, मैं नाम बोल रहा हूँ लिख लीजिए, नाइट्रिक एसिड HNO3, हम लिखते हैं HONO2। क्या हम यहाँ पे H निकाल सकते हैं मेटा पोजिशन से, बिल्कुल हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, तो मेटा वाला एक H और यहाँ वाला OH, क्या निकल गया बोलो, ये निकल गया माइनस H2, है ना, मेटा मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए यहाँ से H और यहाँ से OH H2O निकल गया, बचा NO2, वो NO2 मेटा पोजिशन पे आके जुड़ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Br और यहाँ पर हो जाएगा NO2। इसका नाम क्या होगा, 4 ब्रोमो, क्योंकि ये हमारा मेन है, नाइट्रोबेंजीन हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसको हम हटा दें तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और इसको हटा दें तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो मेन प्रोडक्ट है हमारा नाइट्रोबेंजीन, इसलिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे, 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो है, ये बी आर है, ब्रोमो है, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। हमने सबसे पहले क्या लिया था, हमने लिया था बेंजीन, बेंजीन की ब्रोमीन से करवाई तो ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन की हमने नाइट्रिक एसिड से करवा दिया बच्चों, तो ये बन गया 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा अगला कन्वर्जन है बेंजाइल एल्कोहल इनटू बेंजाइल, हमारा जो अगला कन्वर्जन है बच्चों वो हमारा अगला कन्वर्जन है कि हमें बेंजाइल एल्कोहल लेना है और इस बेंजाइल एल्कोहल को बच्चों हमें कन्वर्ट करना है इनटू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में हमें इसको कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। चलो भाई बेंजाइल का फार्मूला क्या होता है, तिवारी सर बिल्कुल करेक्ट, C6H5CH2, ये बेंजाइल का फार्मूला होता है, और अगर हम इसके साथ OH जोड़ दें बच्चों तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम सबको मालूम है बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा। हमें क्या बनाना है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो अगर हम एक काम करें बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन करवा देते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्या क्या निकलता है बोलो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
एक निकलेगा आपका POCl3 और एक निकलेगा HCl। आपको ये निकाल के बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, OH की जगह पे Cl लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो मैंने क्या लिखा, मैंने ये रिंग लिया, रिंग की जगह CH2 लिखा और CH2 की जगह मैंने सीधे Cl लगा दिया। एनी प्रॉब्लम? तो किसी भी अल्कोहल की यदि हम PCl5 से रिएक्शन करते हैं तो सीधे यहाँ पे Cl आ जाता है। PCl3 से भी कर सकते हैं, SOCl2 से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, है ना। आप करके देखें तो POCl3 और HCl निकलेगा। हमने क्या किया, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, बेंजाइल क्लोराइड। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम साइनाइड से, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से। बच्चों हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक। तो ये के और सीएल क्या निकल गया बच्चों, तिवारी सर, ये निकल गया केसीएल, बचा क्या, साइनाइड। तो सीएल की जगह पे क्या जुड़ जाएगा बच्चों, तिवारी सर, सीएच की सीएल की जगह पे साइनाइड जुड़ जाएगा। तो ये आपकी रिंग हो गई और यहाँ पर जुड़ गया CH2, तो था ही था, और यहाँ जुड़ गया साइनाइड। सी ट्रिपल बॉन्ड है, लिख सकते हैं भाई साइनाइड को, बिल्कुल तिवारी सर। कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4, हम सी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं CN, आप डायरेक्ट भी लिख दीजिए CN। इसका नाम हो गया बेंजाइल साइनाइड। क्या नाम हो गया, बेंजाइल साइनाइड। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, जब कभी भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है, नाइट्राइल भी कहते हैं, तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, हमेशा, ऑलवेज। तिवारी सर कैसे, देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट लिख के बताता हूँ। क्या ये साइनाइड ग्रुप है कि नहीं है, बिल्कुल तिवारी सर, यही वाला ग्रुप है, CN वाला ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तभी वो आखिरी स्टेप आपको समझ में आएगा। तो हम इसके 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, क्यों तिवारी सर, 2 क्यों, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होगा उसके हाइड्रोलिसिस के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल लोगे। अब देखिए क्या लिखते हैं, देखिए हम लिखते क्या है 2 वाटर मॉलिक्यूल में, मैंने लिखा H2O, बिल्कुल सही तिवारी सर, और फिर लिखा HOH, बिल्कुल सही तिवारी सर। देखिए 2 वाटर कैसे, H2O ये भी पानी है और H2O ये भी पानी है। तो साइनाइड का जब मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो पानी के 2 वाटर मॉलिक्यूल लगे और ये टूट गया। तो जब ये टूटा तो क्या बना बच्चों, COOH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस NH2OH NH3 अमोनिया, ये हो गया अमोनिया। तैयार हो मानने को, तैयार हो मानने को, कभी भी किसी भी साइनाइड ग्रुप की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो हमने लिया भी है, H2O एक पानी का ही है और HOH एक ही है, ये क्लिवेज हो गया, COOH निकल गया, अमोनिया निकल गया, है ना। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इसका मतलब हम ये मानने को तैयार हैं कि कभी भी किसी भी साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो अमोनिया निकलता है और वो जो CN ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। पॉज करके बच्चों इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। चलिए तो चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हमें हाइड्रोलिसिस करवाना है, क्या करवाना है भाई, हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल सही तिवारी सर। तो जो CN है वो हट जाएगा, क्या निकलेगा, अमोनिया। अगर आप ये पेपर में ना लिखो तो भी सही है, अदरवाइज डायरेक्ट आप एक काम करो, ये आपकी रिंग हो गई, ये रिंग हो गई और ये हो गया CH2 और ये हो गया COOH, साइनाइड को हमने COOH में कन्वर्ट कर लिया, क्लियर। अब बच्चों मुझे ये बताओ CH3COOH का नाम क्या होता है, तिवारी सर, इथेनोइक एसिड, भाई बिल्कुल सही ना, ऑइक एसिड, 2 कार्बन एथ, एथ का एन बनाया एथेन, और COOH हो गया तो हो गया ऑइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब हम एक काम करें, एक हाइड्रोजन हटा दें, तो हमने इथेनोइक एसिड से एक हाइड्रोजन हटा दिया, वहाँ पर हम फिनाइल लगा दें, ये रिंग को हम बोलते हैं फिनाइल, तो क्या हो गया, है ना, ये 1 और ये 2। अगर हम नंबरिंग करें, इसकी नंबरिंग करें, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। समझ में आया नहीं आया, चलिए फिर से एक बार समझाऊँ, एक बार फिर से इस चीज़ को देखिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर CH3 लगा दूँ तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, एक एच हटा दिया, एक एच हटाया तो एक वैलेंसी फ्री हो गई, और यहाँ पर फिनाइल लगा दिया, नंबरिंग यहाँ से किया 1 2 2 से फिनाइल है, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो बच्चों ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा बच्चों हमारा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये था कि वी हैव प्रोवाइडेड विथ बेंजाइल एल्कोहल एंड यू हैव टू कन्वर्ट बेंजाइल एल्कोहल इनटू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो हम किसी भी हैलाइड से रिएक्शन करके बेंजाइल क्लोराइड बना लिया, साइनाइड से रिएक्शन करके साइनाइड बना लिया, और साइनाइड की हमेशा जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको एसिड बनता है, तो ये हो गया 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अगला कन्वर्जन है बच्चों एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन। हमारा अगला कन्वर्जन है बच्चों एनिलीन, हमें एनिलीन चाहिए, और एनिलीन से हम क्या बना रहे हैं, एनिलीन से हम बना रहे हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है।
आपको याद हो बच्चों, मैंने नाइट्रोजन में आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। उसमें हमने क्या किया था, वी हैव टेकन एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, अगर आप बेंजीन लें, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दें और एक अमाइन ग्रुप जोड़ दें NH2 ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है एनिलीन। क्या हो जाता है, एनिलीन। आपने पढ़ा है कि यदि हम एक काम करें, एनिलीन की रिएक्शन करवा दें NaNO2 और HCl से। एनिलीन की बच्चों, यदि हम NaNO2 और HCl से रिएक्शन करवा दें, 0 to 5 डिग्री, ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक 0 to 0 डिग्री से लेके 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तिवारी सर, ये बात समझ में नहीं आई, इसको समझिए ध्यान से, ये वाली रिएक्शन बहुत ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है, जब एनिलीन की NaNO2 और HCl से रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। पहले क्या होता है कि ये जो NaNO2 है ये HCl से रिएक्ट करता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, ये निकल जाता है, देखिए HNO2। जब रिएक्ट करते हैं तो ये HNO2 निकल जाता है और ये NaCl बनता है, NaCl। यहाँ तक बात समझ में आई कि NaNO2 और HCl से रिएक्ट करते हैं तो ये नाइट्रस एसिड बनता है, HNO2 बनता है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्चुअल प्रोसेस ये है। अब क्या होता है, एनिलीन का फार्मूला होता है NH2, ये इससे रिएक्ट करता है, HNO2 से रिएक्ट करता है और साथ में एसिडिक मीडियम हो जाता है। एक्चुअल रिएक्शन ये है, ये HNO2 बना, HNO2 से रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एक एन ये और एक एन ये, दो एन और एक सी एल, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन, दो नाइट्रोजन ये और एक सी एल ये। अब बचा क्या, दो हाइड्रोजन ये बचा, एक तीन हाइड्रोजन और एक चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन बचा, दो ऑक्सीजन बचे, तो ये बन गया 2H2। इसका मतलब अगर कोई पूछे कि इस एनिलीन की NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, तो हमारा आंसर ये होगा बच्चों, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, ये होगा N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बच्चों, नाइट्रोजन को हम एजो बोलते हैं, तो ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, NaNO2 NaCl दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, HNO2 निकल जाता है, NaCl निकल जाता है, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसकी HNO2 से रिएक्शन होती है HCl की प्रेजेंस में, तो एक एन ये, एक एन ये, एक सी एल ये, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और दो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो ये मैंने बच्चों आपको कॉन्सेप्ट बताया था, पॉज करके नोट कर लीजिएगा समझने के लिए, ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बच्चों हम इसकी करवाते हैं, हमें चाहिए क्या, क्लोरोबेंजीन चाहिए, तो हम इसकी करवाते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या करते हैं, इसकी CuCl और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, अगर आपको याद है तो लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो यहाँ से ये नाइट्रोजन निकल जाता है, ये वाला नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, तो ये निकल गया माइनस N2, N2 हट गया। जब N2 हट गया तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना, हमारा मेन प्रोडक्ट बना ये रिंग, और इस रिंग से क्या जुड़ गई, रिंग से जुड़ गई Cl, N2 निकल गया, माइनस N2। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का हमारा नाम हो जाएगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पर हमने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन लगवाया तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ हम इसको हीट करते हैं तो N2 निकल जाता है और Cl जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। तो इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड बच्चों एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन, नोट डाउन इन योर कॉपी। अगला कन्वर्जन है बच्चों इथेनॉल टू प्रोपाइल नाइट्राइल। हमारा अगला कन्वर्जन है बच्चों इथेनॉल टू प्रोपाइल नाइट्राइल, प्रोपाइल नाइट्राइल, राइट डाउन बच्चों इन योर कॉपी। हमारा अगला कन्वर्जन है इथेनॉल, इथेनॉल से हमें कौन सा नाइट्राइल चाहिए बच्चों बताओ, इथेनॉल टू प्रोपाइल नाइट्राइल। चलिए इसको करते हैं, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल कर लीजिए इसको, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इथेनॉल का फार्मूला लिखें। इथेनॉल का फार्मूला सबको मालूम है, एक कार्बन दो कार्बन और यहाँ OH, एथ मतलब यहाँ पे तीन लगा लें, यहाँ पे दो लगा लें, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन हमें प्रोपाइल नाइट्राइल चाहिए, तो पहले इसको आयोडाइड में बदल दें, इसकी HI से रिएक्शन करवा दें, HI का नाम होगा हाइड्रोआयोडिक एसिड। अब क्या करें, एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, बच्चों क्या निकल गया, तिवारी सर H2O निकल गया, बिल्कुल सही भाई, H2O निकल गया, तो आगे क्या बचा,
ये बचा CH3CH2I, ये बचा, इसकी रिएक्शन क्या करवा दें, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवा दें, तो ये आई और ये के निकल जाएगा बच्चों, ये निकल जाएगा के आई। तो ये हो गया आपका प्रोपेन नाइट्राइल। जब ये हो गया तो आप इसका नाम लिखें, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया CL। एक दो तीन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोप प्रोप का एड बनाया प्रोपेन और CO को बोलते हैं नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल। तो देखो बच्चों यहाँ पर जब हम इसका IUPAC नेम लेते हैं ना, तो साइनाइड का भी कार्बन हम काउंट करते हैं और फिर इस पूरे को नाइट्राइल बोलते हैं। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा बच्चों प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल, है ना। तो इस तरह से हमने इथेनॉल को बच्चों प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट किया। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अगला है बच्चों 2-chlorobutane-2, अगला है हमारा कन्वर्जन 2-chlorobutane-2, हमें 2-chlorobutane से 2-chlorobutane से हमें क्या बनाना है, 3,4-dimethylhexane हमें बनाना है बच्चों, 3,4 हमें बनाना है 3,4-dimethylhexane। वही है वुड्स रिएक्शन, है ना। अगर आप इसको समझें तो बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज़ नोन बाय द नेम वुड्स रिएक्शन। सबसे पहले लिखते हैं 2-chlorobutane का फार्मूला, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 2-chlorobutane, है ना। ब्यूट मतलब चार कार्बन चाहिए, ये चार कार्बन लिख लिया, 2 पे क्लोरो, ये 2 पे क्लोरो लगा लिया, बाकी सिंगल बॉन्ड लगा लिया। बैलेंस करें CH3, 1, 2, 3, 3 और 1, 4, 2, 2 और 1, 4 और ये 2, है ना बच्चों। अच्छा वुड्स रिएक्शन लिखते हैं तो किसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसकी 2NA से करवाते हैं। अब एक काम करो, एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, 2, एक और लिख लो। चलो एक और लिखता हूँ CH3C, ये CL, है ना। चलिए अलग कलर के पेन से लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको मालूम है कि वुड्स रिएक्शन के हम एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं बच्चों, 2। तो चलिए अलग कलर के पेन से लिख दिया मैंने CH3C, इसका ये CL, ये हो गया CH, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों हमने 2-chlorobutane के कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2, है ना। हमसे वही तो पूछा था 2-chlorobutane। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि हमारे पेपर में वो ये नहीं लिखेंगे कि हमें 2-chlorobutane के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, वो तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही लिख रहे हैं कि भाई आपको 2-chlorobutane को 3,4-dimethylhexane में कन्वर्ट करना है, कितने सोडियम मेटल, 2। अब बच्चों मैंने आपको बताया था 2 सोडियम और 2 NaCl, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है तिवारी सर, ये रिएक्शन ड्राईथर की प्रेजेंस में होती है, जब हम इसको हीट करते हैं। क्या निकल गया बच्चों बताओ, 2 Na निकल गया, 2 Cl निकल गया, इसका मतलब हमारा निकल गया 2 NaCl। अब क्या क्या बचा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए हमारा क्या बचा, हमारा एक तरफ से लिखते जाते हैं, एक तरफ से लिखते चलते हैं, यहाँ से लिखते चलो, इस वाले कोने से लिखते हैं और इस वाले कोने पर रुकेंगे, यहाँ से लिखते चलो। ये हमारा बचा CH3, ये बचा आपका CH2, ये बचा आपका CH, CH से कौन जुड़ा, CH से जुड़ा CH3। अब ये वाला CH इस वाले CH से जुड़ गया, तो ये CH से जुड़ गया, इससे कौन जुड़ा, इससे जुड़ा CH3। फिर ये पूरी तीन की पट्टी, तो ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, है ना। ये तो हमारा कंपाउंड बना, चलिए, है ना, CH2 CH2 CH3, सॉरी, तो ये CH CH CH, हाँ ठीक है। अब नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। इसके बाद एक नहीं बनेगा, एक ज़्यादा बन गया ना, देखो ना, ये CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो ये CH2 हो गया और ये आपका CH3 हो गया। अब चले यहाँ पे 2 मिथाइल है, 1 मिथाइल 3 से जुड़ा है, 1 मिथाइल 4 से जुड़ा है, तो 3,4-dimethyl, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों हमारा 3,4, हमारा नाम हो जाएगा बच्चों 3,4-dimethylhexane। तो बच्चों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमें 2-chlorobutane दिया गया है और हमसे कहा गया कि आप 3,4-dimethylhexane बनाओ। मैंने आपको बताया था कि वुड्स रिएक्शन में पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो वो एल्किल हैलाइड के आपको 2 मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, दे विल प्रोवाइड यू ओनली 1 मॉलिक्यूल। तो ये आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि हमको एल्किल हैलाइड को 2 बार लिखना है और फिर मेटल से उसकी रिएक्शन करवानी है, ठीक है। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कन्वर्जन है बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू, अगला हमारा कन्वर्जन है बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमें दिया गया है और हमें इसको कन्वर्ट करना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में इनटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, हमें इसको कन्वर्ट करना है बच्चों आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में हमें इसे कन्वर्ट करना है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमें दिया गया है और हमें इसे कन्वर्ट करना है बच्चों
आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में, किस में कन्वर्ट करना है जी, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है। अब पहले तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का फार्मूला ये हो जाएगा CH3 CH3 CBr, 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट का आयल बनाया ब्यूटाइल। टर्शियरी क्यों, क्योंकि एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ रहा है। मैंने आपको बताया था अगर तीन कार्बन की चेन हो तो उसे टर्शियरी बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसकी हम क्या करेंगे बच्चों, एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करेंगे। आपको मालूम है ना एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करते हैं तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होती है, हेलोजन भी निकलता है वाटर भी निकलता है। तो क्या होगा, एक के एक बी आर निकलेगा, ये वाला के ये वाला बी आर निकलेगा, तो ये निकल जाएगा माइनस के बी आर, ये वाला ओ एच और अल्फा ये बीटा, कोई भी एक ओ एच निकाल दो बीटा वाला, ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ से निकालते हैं बच्चों तो ये निकल जाएगा माइनस एच टू। अब आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दो मिथाइल, तो एक मिथाइल आपका ये हो गया, दूसरा मिथाइल आपका ये हो गया, यहाँ पर सी था यहाँ पर सी हो गया, एक एच यहाँ से निकल गया, बी आर भी निकल गया, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड सी एच टू। बैलेंसी को पूरा करना है तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग अगर हम करें, अगर हम इसका आई पी एस सी नेम लिखें बच्चों तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3, तीन है तो प्रोप का इन बनाया प्रोपीन, टू से जुड़ गया मिथाइल। तो अगर आप इसका आई पी एस सी नेम लिखें तो इसका आई पी एस सी नेम होगा टू मिथाइल प्रोपीन। लेकिन हमें क्या बनाना है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी एच बी आर से रिएक्शन करवाएंगे और ये करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। परोक्साइड की प्रेजेंस में क्यों, क्योंकि हमें एंटी मार्क एडिशन करना है तभी तो वो बनेगा। हमें कौन सा एडिशन करना है, हमें करना है एंटी मार्क एडिशन। ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। एंटी मार्क एडिशन में क्या होता है कि कम वाला ज़्यादा से जुड़ता है और ज़्यादा वाला कम से जुड़ता है। तो ये वाला निगेटिव जुड़ेगा ज़्यादा वाले से और ये ज़्यादा वाला जुड़ेगा कम वाले से। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं ये एरो नीचे बना दूँ, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा सी एच थ्री, ये बन जाएगा सी एच थ्री सी, सी से कौन जुड़ गया एच, तो ये हो जाएगा है ना सी से कौन जुड़ गया एच, तो यहाँ पर एच जुड़ गया, डबल की जगह कौन सा बॉन्ड आएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा सी एच टू और ये हो जाएगा बी आर। इस कंपाउंड को बच्चों हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। क्यों तिवारी सर, आइसोब्यूटाइल क्यों बोलेंगे, 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट का आयल बनाया ब्यूटाइल, यहाँ दो कार्बन की चेन है, दो कार्बन की जब चेन होती है बच्चों तो हम उसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल, 1 2 3 4, चार मतलब ब्यूट, ब्यूटाइल। देखिए यहाँ भी ब्यूटाइल था, 1 2 3 4 ब्यूटाइल। इसको टर्शियरी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ तीन कार्बन की चेन है, 1 2 3। इसको आइसोब्यूटाइल क्यों बोला, दो कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो बच्चों इस तरह से हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला कन्वर्जन है बच्चों क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। हमें दिया गया है, उन्होंने क्लोरोइथेन दिया है और हमें क्लोरोइथेन से बच्चों किसे बनाना है, ब्यूटेन, वही वुड्स रिएक्शन है ना। ये रिएक्शन तो इजीली आइडेंटिफाई होती है बच्चों, क्लोरोइथेन, एक कार्बन दो कार्बन यहाँ सीएल लगा दिया तो ये हो गया सी एच थ्री, ये सी एच टू क्लोरोइथेन है ना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन ही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन, वही सोडियम मेटल, क्योंकि वुड्स रिएक्शन है बच्चों है ना। हमारे सारे बच्चों को मालूम है भाई कि तिवारी सर यह बात आप वुड्स रिएक्शन की कर रहे हो, बिल्कुल सही बोला आपने। एक और मॉलिक्यूल लिखेंगे फिर तो भाई हम, सी एल सी एच टू सी एच थ्री, किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई इथर की प्रेजेंस में होती है, ये भी बात बिल्कुल सही। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, अब क्या होगा बच्चों बताइए, तिवारी सर दो एन ए और दो सी एल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा माइनस, आप चाहें तो यहाँ लिख दें तो भी बात एक ही है प्लस करके, तो ये हो गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, तो हो जाएगा आपका सी एच थ्री सी एच टू इस तरफ वाला और यहाँ वाला भी जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा सी एच टू सी एच थ्री, 1 2 3 4 ब्यूट और एन बना लिया, तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। कौन सी रिएक्शन है, याद करिए तिवारी सर हमें याद है, ये जो आपने रिएक्शन बताया है ये है वुड्स रिएक्शन। सो बच्चों इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू ब्यूटेन, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा अगला जो कन्वर्जन है वह है एनिलीन हम ले रहे हैं टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। कोई बच्चा मुझे बताएगा भाई फिनाइल आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम क्या होता है, ये मैंने बहुत फेमस रिएक्शन है जो मैंने आपको पढ़ाया था तिवारी सर, याद है मुझे इसका दूसरा नाम होता है कार्बिल अमीन, और याद करिए बच्चों ये रिएक्शन कार्बिल अमीन रिएक्शन है।
तो तिवारी सर ये बताइए कि यदि ये रिएक्शन कार्बिलेमिन रिएक्शन है तो हम इसको यहाँ हेलो एल्केन में हेलोएरिन में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म CsCl3 क्लोरोफॉर्म इज एन डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मेरे हिसाब से आप सब लोगों को याद होगा, ये है एनिलीन है ना, ये कार्बिलेमिन रिएक्शन है, ये सबको रटी हुई होगी, एनिलीन है ना, एनिलीन की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होती है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CsCl3। देखिए ये रिएक्शन है कार्बिलेमिन, कार्बिलेमिन ठीक है, कार्बिल एमीन, इसका मतलब आपको पहले एमीन लेना है, मैंने एमीन ले लिया NH2, कार्बिल कक्का मैंने बताया था कक्का पहला का, देखिए फिर से देखिए, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड आपको याद होना चाहिए, ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है, हमें याद है तिवारी सर, अगर आपको याद है ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है तो सबसे पहले एमीन लिखा है NH2, इसका मतलब आपको एक एनिलीन लेना है, उसके पहले कार्बिल लिखा है का का कक का, पहला का, पहला का मतलब क्लोरोफॉर्म, ध्यान दीजिए पहला का मतलब क्लोरोफॉर्म और दूसरा का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कक का पहला का मतलब क्लोरोफॉर्म और दूसरा का मतलब का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, का मतलब पोटेशियम, इसको हम कास्टिक पोटास भी बोलते हैं और हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। कितने Cl है बच्चों, 3, तो QH भी कितने लेंगे, 3, और हम इसको हीट करेंगे। अब देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, बहुत ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ये हमने रिंग लिया, यहाँ पर N लिखा और यहाँ C लिख दिया, ये वाला N और ये C है ना, ये H2 हटा दिया, ये N और ये C, NC, इस कंपाउंड का हमारा नाम हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइड, हमें यही तो बनाना था एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, हमें फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना था, और इसी का दूसरा नाम क्या है, कार्बिलेमीन, इसको बच्चों हम कार्बिलेमीन भी कह सकते हैं। चलिए बिल्कुल सही तिवारी सर, 3K थे 3Cl है, तो 3K और 3Cl में क्या हो जाएगा, 3KCl, 3KCl निकल गए, अब क्या बचा बताइए, दो हाइड्रोजन ये निकला क्योंकि NC था, दो हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन और एक ये 4 हाइड्रोजन, तो सॉरी 2 और 1 3 हाइड्रोजन और 3 और 3 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मतलब 3H2। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है बच्चों वो है फिनाइल आइसोसाइनाइड, आप इसको NC डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और यदि आपको डायरेक्ट लिख देख नहीं है तो आप बॉन्ड बनाकर भी लिख सकते हो, तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप बच्चों इसको डायरेक्ट NC लिख सकते हो, ऐसे लिख दो तो भी सही है, या आप क्वाड्रेट और डबल बॉन्ड बना के Cl लिख दो। तो इस तरह से बच्चों हमने एनिलीन को फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चों हेलो एल्केन और हेलोएरिन के सेगमेंट में बच्चों मैंने आपको काफ़ी कुछ कन्वर्जन बताया, दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और अब अगले सेगमेंट में मैं आपको अगली यूनिट्स के कुछ कन्वर्जन करवाऊंगा, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है बच्चों इन कन्वर्जन को कराने में, ठीक है, इनको सोचिए समझिए इनकी प्रैक्टिस करिए, जितना लिखकर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। यस डियर स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, ओके।